गुड मॉर्निंग, राधे राधे। स्वागत है आप सभी लोगों का संध्या लाइफस्टाइल ब्लॉग गजब ऑनलाइन में। तो दोस्तों, आज दिन है मंगलवार और सुबह का 10:30 बज रहा है, तो 10:30 बजे से आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। तो आजकल देखिए, गर्मी इतनी ज्यादा होती है और इतनी ज्यादा धूप होती है कि मतलब सुबह का ऐसे तो 10-10:30 बजे का टाइम सुबह का बिल्कुल ठंडा इतना वह समय माना जाता है, लेकिन आजकल तो 10-10:30 बजे इतनी भयंकर धूप हो जाती है कि बिल्कुल जो है छत पे जाना, बालकनी में जाना बड़ा मुश्किल होता है, घर के बाहर निकलना तो उससे भी ज्यादा मुश्किल। तो बस यहाँ पे हम लोग आजकल मॉर्निंग, गर्मियों में तो वैसे भी दिन जो है सुबह जल्दी हो जाती है, 5 बजे रोशनी हो जाती है, चिड़िया चहचहाने लगती है, तो हम लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो फिलहाल जो है अभी सुबह के जो अर्ली मॉर्निंग वाले जो पूरे क्लीनिंग जो है क्लीनिंग का, घर की साफ सफाई का रूटीन होता है, वो सारे काम हो चुके हैं और मैं भी नहा चुकी हूँ। नहाने के बाद मैंने लगाई थी वॉशिंग मशीन, तो वॉशिंग मशीन के कपड़े लेके जो है मैं यहाँ पे बालकनी में फैला रही हूँ। ऐसे तो छत पे हम लोग कपड़े जो है ऊपर वाली छत पे ही सुखाते हैं, लेकिन आजकल धूप इतनी ज्यादा होती है और हवाएं इतनी तेज चलती है कि कपड़ों का भी रंग जाने का डर रहता है, और कपड़े में अगर चिमटी लगाई और लगाना ना लगाई और भूल गए तो कपड़े फिर दोबारा मिलेंगे नहीं, और इतनी धूप में ऊपर छत पे जाने का मन भी नहीं करता है। तो आजकल मैं कपड़े अपनी बालकनी में ही सुखा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे कपड़े फैला दिए हैं और उसके बाद अभी यहाँ पौधों को भी मैं जो है स्नान करा रही हूँ, पानी डाल रही हूँ। क्या आजकल ना पौधों में कितना भी सुबह शाम अच्छे से पानी डालो, उसके बाद भी इतनी ज्यादा धूप होती है कि पौधे जो है मुरझा जाते हैं, बिल्कुल पत्ते जो है उनके पीले पड़ जाते हैं। तो मैं जो है अपनी बालकनी में दोनों टाइम आके पौधों को अच्छे से ऊपर से पानी से छींटे मार मार के नहला देती हूँ, और अच्छे से गमलों में भी पानी डाल देती हूँ ताकि पौधे थोड़ा सा हरे भरे बने रहे। तो फिलहाल मेरी जो बालकनी में पौधे रखे हुए हैं ना, वो काफी अच्छे से खिलखिलाते हुए, हंसते मुस्कुराते हरे भरे हैं। लेकिन जो छत पे हमने पौधे रखे हुए हैं, गमले रखे हुए हैं, उनमें भी पानी मैं सुबह शाम डेली डालती हूँ, लेकिन वो पौधे पूरी तरीके से मुरझा चुके हैं, झुलस चुके हैं, क्योंकि धूप ही इतनी ज्यादा तेज है कि उन्होंने पौधों को बिल्कुल जलाकर सुखा दिया है। तो बस यहाँ पे बालकनी वाला सारा काम मैंने खत्म कर दिया है और अभी इधर जो है पौधों में पानी वगैरह दिया है, तो फिर बालकनी में थोड़ा सा पानी वगैरह फैल गया, तो बस इसकी साफ सफाई कर दे रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि मेरे बालकनी के पौधे, बालकनी में मैंने सदाबहार के कुछ गमले रखे हुए हैं, तो कितने सुंदर, कितने हरे भरे हो रखे हैं और फूल भी आ रखे हैं, कलियां भी लगी हुई हैं। तो फिलहाल पौधों को जो है ना देख कर जो है ना पूरा मूड अच्छा हो जाता है, बिल्कुल फ्रेश हो जाता है मुस्कुराते हुए पौधों को देखकर। तो आप देख सकते हैं सफेद, गुलाबी, लाल और मतलब हर तरह के सदाबहार के पेड़ हमने जो है ना लगा रखे हैं। तो बालकनी का काम हुआ खत्म, अभी मैं आ गई हूँ नीचे और दोबारा से फिर से मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है। अभी वॉशिंग मशीन में मैंने डाले हैं नीचे के रूम के जो डबल बेड के जो बेडशीट वगैरह है, चादर है और कुछ पिलो कवर है, तो वो सारा वॉशिंग मशीन में लगा दिया है। और एक साइड अब दोबारा आ गई हूँ किचन में, तो किचन में अब थोड़ा सा किचन का काम निपटा रही हूँ। और आजकल गर्मी इतनी ज्यादा होती है ना कि शाम के भी काम हम लोग थोड़ा सा जल्दी निपटाने के चक्कर में रहते हैं, इसलिए शाम के जो काम होते हैं, शाम का खाना, शाम का नाश्ता और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको भी हम लोग दोपहर से ही शुरू कर देते हैं। तो ये टमाटो केचप और चिली केचप के बॉटल हैं जो सुमित कल ही मार्केट से न्यू लेके आए हैं, तो इनमें हम लोग जो है सॉस वगैरह फिल करने वाले हैं। तो बॉटल धुल के मैंने रख दी थी, तो अभी बॉटल अच्छे से इनका पानी सूख गया है, अब इनमें हम लोग जो है ना मेयोनीज सॉस और टमाटो सॉस जो है इसमें हम लोग अच्छे से फिल करके रख देंगे, ताकि ऑर्डर रेडी करने के समय फिर पैकेट से बार बार नहीं निकालना पड़ता है, डायरेक्टली हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। और बस यहाँ पे अभी जो है किचन का भी सारा सामान पूरा सेट हो रखा है। किचन में क्या है कि किचन में तो पूरा दिन मेरे काम चलता ही रहता है, क्योंकि ऑर्डर कभी भी किसी भी टाइम आ जाता है, तो ऑर्डर के लिए हमको किचन में पूरी तैयारी रखनी पड़ती है हर चीज की। तो एक साइड जो मेरी देवरानी है शिवानी, वो दोपहर का खाना दाल चावल रोटी सब्जी रेडी कर रही है, और दूसरी साइड मैं यहाँ शाम के खाने की तैयारी में लग गई हूँ दोपहर से ही, कि शाम को हम लोग बनाएंगे भिंडी की सब्जी। तो कल मार्केट से बिल्कुल फ्रेश ताजी भिंडी लेकर आया, और आजकल मार्केट में सब्जी बहुत सस्ती हो रखी है, तो फिलहाल हमारे इधर मार्केट रामा देवी में तो 20 रुपए किलो भिंडी और 20 रुपए किलो करेला मैं कल लेकर आई, और बहुत ही फ्रेश सब्जी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही अच्छे कम दाम में सब्जी है मंडी में। बाकी घर के सामने से तो जो निकलते हैं बेचने के लिए, उनकी सब्जी फ्रेश भी नहीं रहती और 10 रुपए महंगी भी रहती। तो बस यहाँ पे शाम के खाने के लिए मैं बना रही हूँ भिंडी, तो भिंडी अभी दोपहर से ही काट कर जो है रख दे रहे हैं, ताकि शाम को जो है बस शाम की चाय वगैरह होगी और उसके बाद तुरंत भिंडी की सब्जी बनाकर रख दूंगी, क्योंकि ऑर्डर आने का कोई टाइम नहीं होता है। कभी भी खाना बनाने के बीच में ऑर्डर आ जाता है, कभी कभी खाना खाते समय ऑर्डर आ जाता है, तो इससे बेटर रहता है कि ये खाने की तैयारियां करके हम पहले से ही रख लेते हैं और खाना शाम का जल्दी से जल्दी बना देते हैं, तो अपने आप को भी जो है टाइम मिल जाता है, अपने लिए समय मिल जाता है, और ऑर्डर आता है तो उस बीच भी कुछ कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे शाम के लिए सब्जी कर चुकी है।
गाइस तो फिलहाल अभी दोपहर का 1:30 बज चुका है और जैसा कि आपने देखा कि मैं शाम के खाने की तैयारियां अभी से ही करके रख रही हूँ। क्या करें, आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है कि बिल्कुल दिमाग पगलाया हुआ है। 11 बजे से क्या मतलब कि मॉर्निंग के 10 बजे से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। बाहर बालकनी में जाना और बालकनी में भी जाने का मन नहीं करता है, गेट के बाहर भी निकलने का मन नहीं करता है और किचन में जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और फिर शाम के टाइम पे मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो छत वत पे जाओ तो अच्छा लगता है। तो फिर हम लोग जो है ना, हमने और अभी वॉशिंग मशीन चल रही है तो वॉशिंग मशीन की ही आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से। तो फिलहाल मैंने और मेरी देवरानी ने डिसाइड किया कि हम लोग शाम का खाना जल्दी बनाकर रख लेंगे और शाम को थोड़ी देर छत पे जाकर बैठेंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। वरना शाम को हमारा खाना देर से बनता है तो फिर हमारी पूरी जो शाम है 9, 9:30, 10 तो नीचे ही बच जाता है, किचन में ही बच जाता है। उसमें फिर बीच बीच में हमारे क्लाउड किचन के ऑर्डर आते रहते हैं तो 11, 11:30 खाना खाते खाते बच जाता है। हम शाम को ऊपर बिल्कुल छत पे जा ही नहीं पाते हैं टहलने के लिए, ताज़ी हवा में बैठ ही नहीं पाते हैं। तो बस एक साइड शिवानी ने जो है करेले की सब्जी, अरहर की दाल, चावल, रोटी सब पूरा खाना बना कर रख लिया है। और कल जो है हमारा सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो फिर मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के करीब 8:30-9 बजे के आसपास उठ के मैं और मेरे देवर जो निशू हैं, हम दोनों जाके जो है कैंट, हमारा सिलेंडर यहाँ पे कानपुर में कैंट में मिलता है तो फिलहाल हम लोग कैंट से अपना सिलेंडर लेकर आए। और उसके बाद शिवानी ने फिलहाल पूरा खाना बनाकर रख लिया और आज हम लोगों ने बनाई है स्पेशली करेले की सब्ज़ी। मुझे करेले की सब्ज़ी बहुत पसंद है और सुमित को भिंडी की सब्ज़ी बहुत पसंद है तो सुमित के लिए मैं काट रही थी भिंडी और शाम के खाने में आज बनाऊंगी भिंडी। तो शाम के खाने की तैयारी आज मैंने दोपहर से ही करना शुरू कर दी है कि जो है सब्ज़ी वगैरह सब काट के रख लेती हूँ बस। फिर अभी हम लोग दोपहर का खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद थोड़ा अपने साइड वाले काम निपटाएंगे। वॉशिंग मशीन चल ही रही है और अभी ये दूसरी बार वॉशिंग मशीन चल रही है, अभी इसके बारे में एक बार और चलाऊँ या जितने ज़्यादा कपड़े हैं। पहले बीच में मैंने 2 दिन, मैं थोड़े थोड़े कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन नहीं चलाती हूँ, मैं 2-3 कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ वॉशिंग मशीन में, मैं उसके बाद चलाती हूँ। तो एक बार घर के डेली यूज़ वाले कपड़े मैंने चला दिए हैं, दोबारा अभी मैंने यहाँ पे बेडशीट वगैरह डाली है, बेडशीट धुल रही है। आज मैंने ऊपर के कमरों की और नीचे के कमरे की मैंने सारी बेडशीट, पिलो कवर आज मैंने सारे जो है वॉश करने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल दिए हैं। तो बेडशीट धुल रही है और बेडशीट धुलने के बाद फिर थोड़े से न्यू कपड़े हैं जो बाहर आने जाने वाले हैं, मैं और सुमित बाहर इस हफ्ते आए गए तो वो कपड़े हैं। तो फिलहाल हाथ से, ऐसे तो मैं नए कपड़े हाथ से ही धुलती हूँ लेकिन इतनी गर्मी है ना और आजकल इतना काम हो जाता है, इतना बर्डन हो जाता है, इतना काम का प्रेशर है मेरे ऊपर कि ये थोड़े छोटे छोटे काम में मुझे थकान हो जाती है। मतलब ये कपड़े वगैरह धुलने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही तो मैंने जो है ना आज फर्स्ट टाइम जो है ना बाहर आने जाने वाले कपड़े भी अपने वॉशिंग मशीन में ही डालकर धुलूंगी। तो फिलहाल आजकल तो रात में ऑर्डर भी क्या है कि रात में ऑर्डर कभी 2:30 बजे, कभी 3, 3:30 ऐसे आ जाते हैं ना। तो फिलहाल सो भी रहे होते हैं तो जग के उठ के बना के देना पड़ता है और ऑर्डर का कोई भरोसा नहीं है। बिन मौसम बरसात, बिन बादल बरसात के जैसे होते हैं कि कभी भी मतलब किसी भी टाइम आ जाते हैं, कोई टाइम फिक्स नहीं है। तो बस ऑर्डर शाम को आने लगते हैं तो शिवानी भी बोली भाभी आप खाना शाम को का खाना थोड़ा जल्दी बना कर रख लिया करो। तो बस आज जो शाम की खाने की प्रिपरेशन मैंने आज दोपहर में ही कर ली ताकि खाना वगैरह बना के रेडी कर लेंगे, थोड़ा अपना टाइम भी स्पेंड करेंगे, थोड़े अपने साइड वाले काम भी देखेंगे। और आजकल मेरा वीडियो जो है ना, वीडियो का काम बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मैं उस पर ध्यान नहीं दे पा रही क्योंकि मेरा क्लाउड किचन का काम इतना ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से मेरा वीडियो एडिटिंग पर ध्यान नहीं जा पाता है। तो फिलहाल अभी मुझे पूरा फोकस करना है और फिर से अपने पूरे रूटीन पर आना है। तो फिलहाल सब्जी वगैरह तो काट के रख लिए है, अब दोपहर का हम लोग पहले खाना खा लेते हैं, रेस्ट कर थोड़े काम निपटाऊंगी, उसके बाद फिर उठेंगे देखेंगे शाम के बाद किस टाइम से करनी है। पे शाम हो चुकी थी और अभी ये शाम का टाइम है तो मैं यहाँ पे आई थी शाम की चाय बनाने के लिए कि चलो चाय बनाते हैं करीबन 4, 4:30 के आसपास और उसके बाद फिर जो है शाम के खाने की तैयारी करने लगेंगे। लेकिन वहाँ उससे पहले ही बज गई ऑर्डर की घंटी और यहाँ पे आ गया है 5 वड़ा पाव का ऑर्डर। तो बस मैं फटाफट यहाँ पे वड़ा पाव बनाने के लिए मैंने एक साइड कढ़ाई रख दी है और दूसरे साइड में वड़ा बनाने के लिए बेसन का घोल बना रही हूँ और सुमित जो है ना दूसरी तैयारियों में लग गए हैं। तो फिलहाल जब सिंगल ऑर्डर आता है ना तो मैं या सुमित दोनों अकेले ही मैनेज कर लेते हैं, अकेले ही रेडी कर देते हैं, लेकिन जब बड़ा ऑर्डर आता है ना तो मैं और सुमित दोनों ही लग जाते हैं और हम दोनों को लगना ही पड़ता है। तो एक साइड मैंने बेसन का घोल बनाकर रख दिया है और दूसरी साइड जो है कढ़ाई में तेल गरम हो रहा है और यहाँ पे अब जो है मैं वड़ा पाव के लिए जो आलू का पेस्ट का जो वड़ा बनता है ना तो यहाँ पे मैं आलू के वड़े बनाकर रख ले रही हूँ। तो 5 वड़े पाव का ऑर्डर आया है, 5 वड़ा पाव है, फ्राइज है, तो इसके साथ जो है मिसल पाव है। तो यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा बड़ा है तो हम और सुमित दोनों ही रेडी करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आलू का पेस्ट है जो कि अभी मैंने जो है मॉर्निंग
मॉर्निंग में ही बिल्कुल फ्रेश और ताजा बनाकर रखा है। तो फिलहाल जो जब भी ऑर्डर आता है ना, तो हम लोग बिल्कुल फ्रेश और ताजा तुरंत रेडी करके देते हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं, कढ़ाई में मैंने फटाफट बेसन में लपेट लपेट कर वड़ा डालना स्टार्ट कर दिया है, और एक साइड इधर वड़ा पकेगा तब तक मैं दूसरी साइड जो है मुझे अभी पाव भी सेकने हैं। तो बस इधर पाव सेकने हैं, अभी फ्राइज भी तलने हैं। तो एक साइड सुमित जो है मिसल पाव की तैयारी में लगे हुए हैं, मिसल पाव भी आया है। तो सुमित मिसल पाव की तैयारी करें, तो आप देख सकते हैं हमारे वड़ा देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं और कितना खिलता हुआ कलर इनका आ रहा है। तो फिलहाल ये रहे हमारे पाव। तो बस ये पाव आज जो है ना, ये हमारे जो ये वड़ा पाव जो मुंबई वाला पाव है ना, इसका हमारा फर्स्ट ऑर्डर है। तो कल ही हमने बेकरी में ऑर्डर दे के ये वाले पाव बनवाए हैं। तो फिलहाल पाव की क्वालिटी इतनी स्मूथ, इतनी सॉफ्ट आई है ना, कि पाव को छूने से ऐसा लगता है कि बिल्कुल मलाई छू रहे हो। पाव बहुत ही ज्यादा स्पंजी है। तो आज हम लोग अपने इस मुंबई वाले पाव का फर्स्ट ऑर्डर दे रहे हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि इसमें कस्टमर रिव्यू कैसा देता है और कस्टमर को ये पसंद आता है, कैसा लगता है। इससे पहले हम लोग जो बन वाला पाव होता है ना, हम उसमें जो है वड़ा पाव बनाकर दे रहे थे, क्योंकि हमने कई जगह पता किया तो हमें बेकरी से भी जो है वो बनाकर नहीं दे रहे थे। लेकिन अभी नेक्स्ट टाइम हमने फिर दूसरी बेकरी में जाके पता किया, तो उन्होंने ऑर्डर पे हमारे लिए मुंबई वाला जो पाव होता है वो चौकोर पाव बना दिया। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं वड़ा भी बनकर स्टार्ट हो चुका है, और हमने और वड़ा बनकर स्टार्ट हो चुका था और हम ऑर्डर की पैकिंग में लगे थे, और उसी बीच मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। तो पैकिंग और ऑर्डर हैंड ओवर करना ये सब मैं ब्लॉग में आपको नहीं दिखा पाई। तो उसके बाद ऑर्डर जाने के बाद फिर मैंने किचन का सामान समेटा और फिर हम लोगों ने चाय बनाई, चाय पी, और उसके बाद अब यहाँ पे मैं भिंडी की सब्जी बना रही हूँ। तो मैंने दिखाया ही था कि दोपहर के में मैंने भिंडी काट कर रख ली थी कि शाम को जो है ना मैं भिंडी की सब्जी बनाने वाली हूँ, और आप देख सकते हो मेरे चेहरे से पसीना कैसे टपक रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्जी छौंक दी, और भिंडी मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट सब्जी है भिंडी। अगर मुझे भिंडी कोई डेली देना तो मैं डेली भिंडी की सब्जी खा सकती हूँ, मुझे इतनी पसंद है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे आज सुमित की फरमाइश पे भिंडी की सब्जी बन रही है। काफी दिनों से सुमित कह रहे थे कि भिंडी की सब्जी खानी है, तो आज बन रही है भिंडी की सब्जी। और यहाँ भी शाम का करीब 6:30 बज चुका है, तो यहाँ पे मैं शाम का दिया बाती कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने दो दीपक जलाए हैं, एक अपने लड्डू गोपाल के सामने रखने के लिए, और दूसरा दीपक मैं जो है गेट पर रखती हूँ, मेन गेट की दहलीज पे। तो गेट की दहलीज पे शाम के टाइम में दीपक जलाकर रखना बहुत अच्छा होता है। अगर आप लोग शाम के टाइम में गेट पर दीपक जलाकर नहीं रखते हो कड़वे तेल का, सरसों के तेल का दीपक, तो सरसों के तेल का दीपक शाम को जो है गेट पर जला के जरूर रखा कीजिए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ होता है। तो बस यहाँ पे मैंने एक दिया जो है अपने गेट पर रख दिया है, और अभी दूसरा दिया जो है मैंने लड्डू गोपाल के सामने रख दिया है। शाम की दिया बाती हो चुकी है, और अब यहाँ पे मैंने अपना जो है फ्रिज से दूध के पैकेट निकाले हैं। तो ये दूध के पैकेट वो है जो सुमित लाते हैं कॉफी के लिए। तो कोल्ड कॉफी के लिए जो है हम घर का दूध यूज नहीं करते हैं, हम पैकेट वाला दूध लेके आते हैं, क्योंकि जो पैकेट वाला दूध होता है वो बहुत गाढ़ा होता है और उसमें कोल्ड कॉफी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जो घर वाला दूध होता है जो कि हम दूध वाले से लेते हैं, जो दूध वाले भैया देकर जाते हैं, वो हम उनको मतलब कि वो दूध का जो टेस्ट है कोल्ड कॉफी में इतना अच्छा नहीं आता है, और कहीं ना कहीं दूध वो हमें पतला लगता है, तो दूध में गाढ़ापन नहीं होता है। तो ऑर्डर के लिए जो है ना दूध हम बाहर से पैकेट वाला ही लेते हैं। तो फिलहाल ये पैकेट कल शाम को 6 पैकेट आए थे, जिसमें से कि 3 पैकेट यूज हो चुके हैं और 3 पैकेट बचे हैं। तो ये पैकेट मैं अभी जो है गर्म करके इनको ठंडा करके फिर फ्रिज में लगा दूंगी, क्योंकि क्या है ना गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो दूध को तुरंत गर्म करना कर लेना ही ठीक होता है। अदरवाइज अगर एक दिन भी दूध गर्म करने का मिस किया तो दूध जो है टिकता नहीं है, दूध खराब हो जाता है। तो इधर मैंने दूध गर्म करके भी रख दिया और किचन के सारे काम निपटा दिए, और हमारा जो है दोपहर रात का जो है खाना पीना भी हो चुका है। और खाना पीना खाने के बाद करीब यहाँ पे रात का 10:30 बज रहा है, और मैं अभी ऊपर बेडरूम में आ गई हूँ। और जैसा कि मैंने दिखाया कि मैंने वॉशिंग मशीन में बेडशीट वगैरह लगाई थी, बेडशीट धुली थी, तो अभी बेडशीट यहाँ की भी बेडशीट मैंने निकाल ली थी। ये है हमारा आगे वाला रूम, तो बस यहाँ पे जो है बेड पे प्रॉपर बेडशीट बिछा दी है और पिलो कवर जो है पिलो पे लगा रही हूँ। तो दोस्तों बस इसी के साथ आज का ब्लॉग भी यहीं पे स्टॉप करने का समय आ गया है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए कंटेंट के साथ, एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे, शुभ रात्रि।